गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से एक नया मौका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उन सभी पापियों के लिए जिन्होंने खूब पाप बरसाए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसको हमने तीन हिस्सों में बांटा है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल, बिल्कुल ही मतलब अल्ट्रा सुपर अल्ट्रा बेसिक आइटम टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट शुरू करते हैं। व्हाट इज टेंजेंट? लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, परफेक्ट। टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। टेंजेंट इज अ अभी भी गलत हो गया सारा लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। यार इसकी ज्यादा ही फट गई यार इसकी तो। लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, ठीक है। अब टेंजेंट के बारे में तो हम कोई बहुत गहराई में जाके बात नहीं कर रहे हैं। मुद्दे की बात है किसी कर्व को प्रैक्टिकली किसी एक पॉइंट से छू के निकल जाने वाली लाइन टेंजेंट लाइन कहलाती है, ठीक है। इस कर्व पे पी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाने को बोलेंगे तो कोई भी बना देगा आप में से, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। दिस पी पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। प्रैक्टिकली एक पॉइंट, थियोरेटिकली हम जानते हैं कि वो कम से कम दो कोइंसिडेंट पॉइंट से मिलके बना होता है। क्यों? क्योंकि वो सीकेंट का एक लिमिटिंग केस होता है, सही प्रीत जी। अब हमने कुछ पूछा ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन। कैन अ टेंजेंट, मतलब मे अ टेंजेंट कट द ग्राफ ऑल्सो, सिंपल सा क्वेश्चन। मे अ टेंजेंट कट द ग्राफ ऑल्सो, क्या एक स्पर्श रेखा उसी वक्र को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर सकती है? क्या मतलब था इसका? नहीं नहीं तुम्हारे हूं का मतलब नहीं पूछ रहा हूं, मैंने जो पूछा उसका मतलब पूछ रहा हूं। वो ही टेंजेंट उसी कर्व को क्या कहीं काट सकती है? बिल्कुल काट सकती है। अ टेंजेंट मे इंटरसेक्ट द कर्व अगेन, सही है। अच्छा बेले जी, मे अ टेंजेंट हैव मोर देन वन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी? एग्जाम्पल प्रैक्टिकली एक ही पॉइंट है भाई। अब मैं और भाई साहब अगर पेपर में पूछा जाएगा कि ये पॉइंट कितने पॉइंट पे टच कर रही है टेंजेंट, एक ही पॉइंट है आंसर, एक ही पॉइंट भाई। तुम भी वही लगाओगे मैं भी वही लगाऊंगा, प्रैक्टिकली तो एक ही लगा के आना पड़ेगा, वहां कोई फिलोसॉफी थोड़ी जाननी होती है, वहां तो वही आंसर देना पड़ेगा जो समाज को पता है। चंपू हो गया। सो मे अ टेंजेंट हैव मोर देन वन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी टू द सेम कर्व? एग्जाम्पल साइन एक्स, सबसे बढ़िया भाई साहब, ताबड़तोड़ एग्जाम्पल है साइन एक्स। वाई इज इक्वल्स टू वन की जो लाइन होती है वो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रखती है। बना दू, वाई इज इक्वल्स टू वन की जो लाइन है इट विल हैव इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स या वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन भी, मिकी माउस कह रहा है किसी भी स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे बनाई गई टेंजेंट्स इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रखते हैं, सही है, सही है, ठीक है, गुड। तो अ टेंजेंट मे हैव मोर देन वन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एज वेल,
अरे हाँ, अच्छा अब एक और सिंपल सा ट्रू फॉल्स पूछते हैं। इफ एक्स एक्सिस, इफ एक्स एक्सिस एक्टिंग एज अ टेंजेंट टू सम इनवर्टिबल फंक्शन, समझ में आया? नहीं, वापस बोल। यदि एक्स अक्ष किसी प्रतिलोमीय फलन के लिए स्पर्श रेखा का काम करता है, परफेक्ट? नहीं, ये तो गुस्सा कर गई भाई। इफ एक्स एक्स इज एक्टिंग एज ए टेंजेंट टू सम इनवर्टिबल फंक्शन एट सम पॉइंट, देन वाई एक्सिस विल डेफिनेटली बी द टेंजेंट फॉर इट्स इनवर्स फंक्शन एट द करेस्पॉन्डिंग पॉइंट, एट द करेस्पॉन्डिंग पॉइंट। करेस्पॉन्डिंग पॉइंट का मतलब समझा देता हूं। अगर एक्स एक्सिस किसी पॉइंट ए कॉमा जीरो के लिए, ए कॉमा जीरो ही होगा क्योंकि अगर एक्स एक्सिस टेंजेंट है तो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा, जिंदा है? ठीक। इफ एक्स एक्सिस एक्टिंग एज अ टेंजेंट टू द टू सम कर्व एट ए कॉमा जीरो विच इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, देन वाई एक्सिस विल डेफिनेटली बी द टेंजेंट टू द सेम कर्व एट जीरो कॉमा ए। इसमें सब चीजें इंपॉर्टेंट है, जीरो कॉमा ए पर ही होनी चाहिए, कहीं और नहीं हो सकती। बोलो, ट्रू, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंट? ट्रू है? चलो चेंज करता हूँ क्वेश्चन को। इफ एक्स एक्स इज एक्टिंग एज ए टेंजेंट टू सम कर्व विच इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, देन टेंजेंट टू द सेम कर्व, नहीं, टेंजेंट टू इट्स इनवर्स एट द करेस्पॉन्डिंग पॉइंट विल डेफिनेटली बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। यदि किसी कर्व के किसी पॉइंट पर एक्स एक्सिस टेंजेंट का काम कर रही है तो उसके करेस्पॉन्डिंग पॉइंट, उसके इनवर्स फंक्शन पर, उसके करेस्पॉन्डिंग पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट वाई एक्सिस के निश्चित रूप से समानांतर यानी कि पैरेलल होगी, को इंसिडेंट विल ऑल्सो बी पैरेलल। तो पैरेलल वाला केस तो खैर डेफिनेटली ट्रू है गुलाबचंद, वाई एक्सिस भी होगी अगर तो भी पैरेलल वाला। ये तो ज्यादा जनरल केस बोला मैंने, मैंने सेकंड टाइम जो केस बोला है दैट इज जनरल केस, और जो मैंने फर्स्ट वाला बोला था वो पर्टिकुलर केस कि वाई एक्सिस ही होगी। दोनों ट्रू हैं, सेकंड ट्रू है, दोनों ट्रू है, यानी कि फर्स्ट तो ट्रू है ही फिर, ओ सॉरी, मतलब सेकंड तो ट्रू है ही, है ना? फर्स्ट अगर ट्रू है तो सही है। अगर एक्स एक्सिस टेंजेंट का काम कर रही है तो जैसे ही आपने 90 डिग्री से रोटेट किया तो वाई एक्सिस बन गई ना भाई। अरे फ्लिप करने की जरूरत ही नहीं है, आपने जैसे ही इन्वर्स बनाने के लिए 90 डिग्री से रोटेट किया कर्व को तो वाई एक्सिस तो टेंजेंट बन गई है। एग्जाम्पल है, हाँ, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, टेंजेंट एक्स एक्सिस है ना, ओरिजिन पे एक्स एक्सिस एक्स एस टेंजेंट, इसका इन्वर्स y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स। इन्वर्स का ग्राफ खुशी जी कैसे बनते हैं? इन्वर्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं? नहीं बताऊंगी, नहीं पता, नहीं नहीं बताऊंगी भाई। अरे रात को तो सुना भी, तो 24 घंटे भी नहीं हुए भाई। कैसे बनाते हैं? गुड गुड गुड, सही बोल रही हो, बोल तो मन में मत रखो। 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे किसको? इस ग्राफ को, यही मिलेगा वापस गुलाबचंद, 180 डिग्री से रोटेट करेगी तो। एक प्रीत जी, मेरे इमेज भी ले सकते हैं, तो आसान कौन सा है?
मिरर इमेज ना, तो वही बोलो ना फिर, फैंटम के बन रहे हो फिर। मिरर इमेज बायजीगस टू एक्स मिरर इमेज आसान है, है? यार ये इन लोगों को मैं बहुत मतलब एक्चुअली के नोबेल पुरस्कार देना चाहता हूँ जो बोलते हैं ना वाई जीगस टू एक्स के बाद मिरर इमेज लेना आसान है। वास्तव में मैं सीरियसली सोचता हूँ कभी कभी, मतलब 90 डिग्री रोटेट, मतलब पेज को फ्लिप करने और रोटेट करने थोड़ी मेहनत ज्यादा लग रही है इसलिए ना, मतलब उसमें तो भाई सामने दिख रही चीज यार। कठिन क्या है? कठिन तो ऑप्टिक्स है। कठिन तो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स। यही कठिन है बस, और क्या, कुछ ऐसा बनेगा शायद। सही है, तो ये एक्स एक्सिस टेंजेंट है और यहाँ पे वाई एक्सिस टेंजेंट। जैसे ही अपन 90 डिग्री से रोटेट करते हैं इसे एंटी क्लॉकवाइज, वैसे ही एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस टेंजेंट बन जाता है, बात खत्म हो जाती है बस। हैं ठीक, अब मुद्दे की बात, क्या टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी भाई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैसे तो उसी की ही है, ये सब तो ट्रू फॉल्स बता दिए मैंने एक्स्ट्रा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन पर, किसी पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन पर खींची जा सकने वाली किसी कर्व के लिए टेंजेंट का अगर स्लोप पता पड़ जाए तो ये इक्वेशन लिखी जा सकती है पॉइंट स्लोप फॉर्मेट से, है ना? अरे भाई किसी लाइन पर अगर मुझे एक पॉइंट पता हो और उसका स्लोप पता हो तो क्या उस लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है? रेले इक्वेशन वाई माइनस वाई वन इजिकल्स टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, परफेक्ट। तो मुझे इसका स्लोप चाहिए था, क्या रोनी दादा क्या चाहिए मेरे को इसका? स्लोप चाहिए। स्लोप किससे मिलता है? डिफरेंशिएशन टेंजेंट से, गेल से, पर टेंजेंट का तो स्लोप थी। स्लोप किससे मिलता है? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन, यही तो हम लोग निकालते थे एफ डैश ए। ये एफ डैश ए है, ये एफ डैश एक्स वन, मानेंगे दिस इज एफ डैश एक्स वन, डी वाई बाई डी एक्स और उसमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रख दो भाई साहब, बिल्कुल सिंपल है। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, इक्वेशन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, रिश्ता नंबर वन।